morning, students. So today we will learn the methods of financial management. In the previous class, we have learned about what is financial management, what are the classifications, importance. Now it's turn to move out to methods of financial management. So what is financial management? You have learned it. It's a management, how to manage our funds, how to manage our finance. Now, the first method is cost of capital. Cost of capital means where you identify the cost, you identify the funds, raising of funds to manage your capital while starting a new business. Means when you start a new business, you always try to get your capital first. आप अपनी पूंजी को निर्धारित करते हो, आप अपने कैपिटल को डिसाइड करते हो कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं के लिए, करेक्ट? तो जब हम अपनी कैपिटल को डिसाइड करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिसाइड करते हैं मैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो ये क्या कहलाता है? ये फर्स्ट मेथड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई योर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इट मींस कितना पैसा आपको लगेगा बिजनेस को स्टार्ट करने में, कितना आपको कैपिटल को फिक्स असेट्स को लगा के रखना है. तो ये सारी जो मेथड्स होते हैं ये सारे डिपेंड करते हैं आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे. जब आपकी पूंजी निर्धारित हो जाएगी तो बाकी की चीज़ें भी निर्धारित हो जाती हैं. नाउ सेकंड पॉइंट, ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी. ओके, ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी मींस आपकी जो इक्विटीज हैं, आपकी जो फिक्स असेट्स इक्विटीज कहा जाता है, यू हैव लर्न अबाउट द प्रीवियस क्लासेस. तो हमें अपनी इक्विटीज़ को कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे सेटल डाउन करना है बिजनेस को स्टार्ट करने में, दिस इज़ द अनदर फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाउ टू ट्रेड अवर इक्विटीज. ओके, नेक्स्ट फंक्शन, कैपिटल बजटिंग अप्रेजल. कैपिटल बजटिंग अप्रेजल मीन्स जब आपने अपनी पूंजी को निर्धारित कर लिया, ट्रू, आपकी कैपिटल जब डिसाइड हो जाती है तो फिर आप उसकी बजटिंग करते हो. इट मींस हाउ टू फ्लो योर कैपिटल, आप अपने पैसे को आप कैसा फ्लो रखेंगे इज ऑल अबाउट बजटिंग. आपको अपना पैसा कहाँ पे लगाना है, किस तरीके से मूव करना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ किसको पेमेंट करनी है, कहाँ से पेमेंट लेनी है, तो ये सारा जो आपकी कैपिटल के थ्रू आपको जो स्पेंड करना है अमाउंट, जो कॉस्ट स्पेंड करनी है, वो कहलाती है बजटिंग. और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो वही प्रोसेस है और यही एक मेथड क्रिएट करता है कि आपको अपना कैसे कॉस्ट को बजटिंग, कैपिटल को बजटिंग करना है. सो कैपिटल बजटिंग अप्रेजल इज अनदर मेथड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच हेल्प यू आउट how to manage our capital, how to budget our capital, where to spend, how to spend. So this is the appraisal. Okay, now next point, ratio analysis. Ratio analysis se aap kya samajhte hain? Ratio analysis is like the overall analysis where you find out the actual basics, from basics to actual लेवल ऑफ स्पेंड ऑफ मनी. लाइक आपको एक बेसिक से लेकर कहाँ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा तक किस चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, यू विल गेट ऑल ओवर द रेशियोज ओवर हियर थ्रू फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको हेल्प करती है रेशियो एनालाइज करने में कि किस चीज़ का कितना वेटेज रहेगा, किस चीज़ को कहाँ कितना फ्लो देना है, किस तरीके से हमें चीज़ों को स्टार्टअप करना है, व्हाट इज़ द बेसिक नीड्स, व्हाट इज़ द सेकेंडरी नीड्स, व्हाट आर द हायर नीड्स. तो इस तरीके से
when you decide your needs according to your ratio, where you want to spend more, where you want to spend less. This is the ratio analysis, how to analyze your fund management. This is the method of financial management. Now, next point, ABC analysis. ABC analysis, here what comes your all assets, equities, your total outflow of funds. तो ये जितने भी सारे कैलकुलेशंस होते हैं, जिस तरीके से ओवरऑल आपने अपने फंड को मैनेज करके रखा है, दैट इज कॉल्ड एबीसी एनालिसिस, ओवरऑल एनालिसिस. फंड फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस, व्हाट इज फंड फ्लो एंड कैश फ्लो. लास्ट टाइम इफ यू हर्ड स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू अबाउट द फंड फ्लो एंड कैश फ्लो. फंड फ्लो इट मीन्स हाउ टू फ्लो योर फंड. Cash flow, where you are spending your cash, how you are spending your cash. So the flow of cash is the cash flow. Fund flow, how to manage your funds, where you are spending your fund, from where you are raising your fund. This is a fund flow. So financial management helps you out to find out the fund flow and the cash flow itself. Fund flow is the basic where you need to raise the fund for starting your initial business, from where you are getting your funds. Clear? Like there are different sources from where you are getting funds, government, from banks, from shareholders. So these are the initials where you are arranging your money. This is a fund flow. And cash flow is a method where you calculate how you are spending your money, how you are spending your monetary cash. It means the flow of cash, you are spending, where you are spending, where you are giving your money, how you are giving your money, how many vendors are there, how many shareholders are there. It means you are giving them the profit. आप उनको shareholders को अपना profit दे रहे हो, किसको कहाँ payment कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, so किस माध्यम से कर रहे हो. So this is the basics of cash flow. Now, financial management classification. How you classify financial management? Finance को आप कैसे classify कर सकते हो? Financials को कैसे विभाजित कर सकते हो? किस किस रूप में कर सकते हो? तो first one is, there are two types, public and private. Hope you all know about the public and private difference. Am I true? So public means publicly you are getting sources from different government sources, like state government, central government, public government, local government. So these are what comes in public sector. And what comes in private sector? Your personal finance, any outsourced business finance, any non-profitable organization finance, shareholders finance, all these comes in private. So what is the difference between private and public? Hope you guys all understand. Now, so these classifications are separated into two classifications. दो भागों में इनको विभाजित किया गया है. पहला है public, दूसरा है private. Now, public में क्या होता है? Local government, state government, local self government and central government. It means you all have heard about the power grid supply, power grid, NTPC, and all these are the organization who is running publicly. It means these are the public sector companies. Okay, from where they are getting their funds? They are getting their funds from the government, whether it may be central government, state government, local government. तो जितना भी गवर्नमेंट आपके बिजनेस में स्पेंड करती है, आपको कैपिटल रेज करके देती है, जहाँ पे गवर्नमेंट का मत होता है, वो पब्लिक सेक्टर बिजनेस या पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाती है. नाउ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज कौन कौन सी होती है? पर्सनल फाइनेंस थ्रू बिजनेस फाइनेंस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस. इट मीन्स where you are getting your finance from outsource, from private way. It means finance through personal. If you are arranging your finance through
सेल्फ, आप खुद से अपना पैसा लगा रहे हो, दिस व्हाट कम्स इन प्राइवेट. दूसरा, कोई लोकल पब्लिक, कोई लोकल पर्सन आपके ऊपर पैसा लगा रहा है, दिस इज ऑल्सो अ प्राइवेट. नाउ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इट मीन्स अ सोशल वर्कर्स, लाइक सोशल वर्कर्स काम करते हैं, तो वो जो काम कर रहे हैं वो नॉन प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें प्रॉफिट से मतलब नहीं है, उन्हें समाज सेवा करना है. सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अर्निंग, बट दीज आर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. And here it also comes in private sector because no government is involving over here. यहाँ पे government का कोई भी involvement नहीं है, ठीक है. तो financial management क्या हुआ, वो पद्धति, वो method जिस तरीके से आप अपने finance को arrange करते हो. Finance क्यों होता है arrange, ताकि आप अपने business को अच्छा setup दे पाओ, आप उन fund को arrange कर पाओ, आप उसके लिए डिफरेंट सोर्सेस को गेन कर सको, अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरी कर सको. मेथड्स हैव नॉट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी, कैपिटल बजटिंग, अप्रेजल, रेशियो एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो, दीज आर द मेथड्स विच आर वर्किंग एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू हेल्प यू आउट एंड गेन योर फंड्स रेज्ड बाई different sources. Okay, now classification, there are two types of classification, public and private. Publicly it means you are running through a government organizations where you are getting your fund sources from the government. Now these are the private sectors, it means you are arranging, you are raising your money through private way, it means your self source, other personal source, non-profitable organization sources. So these are the classification. Now what exactly the importance of finance, aapko finance ki zarurat kyun padti hai, what are the importance, anybody answer me, anybody, what exactly you mean, what are the importance of finance? So फाइनेंस फर्स्ट इज इनिशियल प्लानिंग. इम्पॉर्टेंस क्या होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इनिशियल प्लानिंग. इट मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम पहली शुरुआत करते हैं, पहली प्लानिंग करते हैं. इट मीन्स द आइडिया विच यू आर क्रिएटिंग, द आइडिया विच यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस. आप कोई भी छोटा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खोलें, कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस आइडिया लें, शुरू करें, तो उसका जो फर्स्ट इनिशियल आइडिया आता है, जो आपके ब्रेन में, आप उसका मस्तिष्क में उसको सोचते हो, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इतना इन्वेस्ट करेंगे, ये होगा. सो द होल इनिशियल आइडिया, द होल इनिशियल प्लानिंग विच यू आर डेवलपिंग, आप जो अपनी प्लानिंग को डेवलप कर रहे हो, दिस इनिशियल प्लानिंग, दिस इज द बेसिक इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. क्यों? क्योंकि जहां आप अपनी पहली सीढ़ी शुरू करते हैं सोचने की, वही पहली इम्पोर्टेंस होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. नाउ व्हाट इज द सेकेंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट्स फाइनेंस प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ फाइनेंस. अब सेकंड क्या है, आपने आइडिया प्लान कर लिया, करेक्ट. अब दूसरी चीज, आप क्या प्लान कर रहे हैं, फाइनेंस. आप फाइनेंस कहाँ से अरेंज कर रहे हैं, किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेस कौन कौन से हैं आपके, जहाँ से आप अरेंज कर रहे हैं. तो दिस इज द सेकेंडरी आइडिया और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, how you are planning your finance. Okay, now third point is arranging or finding out your fixed assets. Assets, what is assets, you all know very well. Now what are fixed assets, aap apni fixed assets ko kaise arrange kar rahe ho, kis tarike se manage kar rahe ho. This is the third
गया और थर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें आप एक आइडिया क्रिएट कर रहे हो जिससे आपको ये पता चल रहा है कि आपको आपकी फाइनेंशियल असेट्स को कैसे अरेंज करना है, किस वे में अरेंज करना है. ओके, तो फर्स्ट वन इज द आइडिया, इनिशियल प्लानिंग, इनिशियल आइडिया विच यू आर डेवलपिंग इज द बेसिक इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाउ द सेकेंडरी इज हाउ यू आर प्लानिंग योर फाइनेंस, दिस इज अनदर और सेकेंडरी इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाउ थर्ड वन इज हाउ यू आर अरेंजिंग योर फाइनेंशियल असेट्स. नाउ हाउ यू आर अरेंजिंग योर फाइनेंशियल असेट्स यू ऑल नो एंड क्लियर ऑल अबाउट यू. नाउ फोर्थ पॉइंट इज बाइंग करेंट असेट्स, इट मीन्स बाइंग ऑफ करेंट असेट्स. बाइंग ऑफ करेंट असेट्स का मतलब क्या हुआ? रॉ मटेरियल असेट्स, वॉट एवर यू आर परचेजिंग. ठीक है, आप रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज कर रहे हो, कितना परचेज कर रहे हो, ठीक है, किस तरीके, कौन कौन से वेंडर के थ्रू कर रहे हो, फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, ऑल दीज व्हाट कम्स इन करेंट असेट्स. सो बाइंग ऑफ करेंट असेट्स इज द अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिकॉज विदाउट करेंट असेट्स यू विल नॉट स्टार्ट योर ऑर्गेनाइजेशन, यू विल नॉट स्टार्ट योर बिजनेस. बिकॉज जब आपके पास असेट्स ही नहीं होंगी तो आप बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल किसी का टायर का बिजनेस है, टायर्स, लाइक योको हमा, MRF, अपोलो, टायर्स का बिजनेस है. अब आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, रॉ मटेरियल क्या हो गया उसका, क्या हुआ, रेक्सिन हुआ, टाई ट्यूब हुआ, टायर हुआ, ओके, उसकी व्हील हुई, अलॉय व्हील्स हुआ, ऑल दीज आर द करेंट एसेट्स. नाउ अब उसमें गैस भी आपको फिलिंग करनी होगी तैयार करके, तो नाइट्रोजन है कि नॉर्मल एयर है, तो दीज आर द बेसिक करेंट असेट्स विच यू आर परचेजिंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस. सो बाइंग ऑफ करेंट असेट्स मीन्स यू आर अरेंजिंग योर असेट्स टू इन्वेस्ट ऑन योर बिजनेस, करेक्ट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टमैटिक प्रोडक्शन. सिस्टमैटिक प्रोडक्शन मीन्स आप किस तरीके से चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हो. अगर आपका कोई प्रोडक्शन बिजनेस है, आप कितना माल खरीद रहे हो, किस तरीके से आप उसमें पैसे लगा रहे हो और कितना प्रोडक्शन आप क्रिएट कर रहे हो ताकि आपका वेस्टेज ना हो. ओके, आपका वेस्टेज ना हो, तो जिस तरीके से आप अपने फंड को मैनेज कर रहे हो उसी तरीके से आप अपने मटेरियल को भी मैनेज कर रहे हो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट मार्केटिंग द लास्ट पॉइंट बट द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मार्केटिंग. हाउ यू आर क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ योर प्रोडक्ट. मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग यही होती है ना कि आप अपनी चीज को कितना सुंदर तरीके से, खूब अच्छे तरीके से मार्केट में उतारते हो फॉर सेल. ठीक है, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट आपने सारी चीजें कर ली, आपने अच्छे से प्लानिंग कर ली, बिजनेस स्टार्ट हो गया, आपने अच्छे से फाइनेंस प्लान किया, आपका फाइनेंस आ गया, आपने अच्छे से रॉ मटेरियल खरीदे, इट मीन्स करंट कैपिटल अरेंज हो गई, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्शन किया, माल तैयार हो गया. अब जब सब कुछ हो गया, लेबलिंग हो गई, नाम हो गया, नाउ व्हाट इज द लास्ट? द लास्ट इज मार्केटिंग. मार्केटिंग कैसे होगी? मार्केटिंग इज द वे, इज द पाथ हाउ यू आर सेटलिंग योर प्रोडक्ट, हाउ यू आर लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट इन अ परफॉर्मेंट एरिया, जहाँ पे लोग आपके उस प्रोडक्ट को देखें और कहें हाँ दिस इज पॉसिबल,
आई विल टेक इट, आई विल बाय दिस, ओके। तो आपको अपने प्रोडक्ट को इतना सुंदर तरीके से उसकी मार्केटिंग करनी होगी थ्रू डिफरेंट चैनल। मार्केटिंग हर तरीके से होती है, एडवर्टाइजमेंट थ्रू न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट थ्रू नेटवर्क, सोशल नेटवर्क एरियाज, थ्रू फेसबुक, थ्रू ट्विटर, दे आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफ मैथड्स ऑफ मार्केटिंग। सो मार्केटिंग इज द बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट फीचर, इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाउ यू आर मैनेजिंग योर फाइनेंस इन अ लेस एंड हाउ यू आर स्पेंडिंग फॉर मोर। सो प्रोडक्ट को मार्केट में सुंदर तरीके से सजा के अच्छे से उतारना, लॉन्च करना इज योर मार्केटिंग। सो फॉर टुडे यू ऑल हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल, सॉरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड यस द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो हाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वर्किंग, ओके। सो बिल्ड योर माइंड, बिल्ड योर एरिया ऑफ थिंकिंग एंड लर्न अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन एंड यस वॉट इज इट एग्जैक्टली फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थैंक यू फॉर नाउ, वी विल टेक अनदर क्लास फॉर tomorrow. And till now, be safe, have healthy, okay? Goodbye.